गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने 8th चैप्टर के बारे में डिस्कस की थी। उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, क्षैतिज तल क्या होता है, पूरक कोण कौन से होते हैं, एकांतर कोण कैसे बनते हैं। तो हमने इसके दो क्वेश्चन भी देखे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड। इसमें यह 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती। मान लेते हैं ये एक दीवार है, इस पर 15 मीटर लंबी सीढ़ी, सीढ़ी इस प्रकार से लगाओगे दीवार पर, ऊर्ध्वाधर दीवार के ये शिखर तक पहुंचती। ये कितने मीटर लंबी सीढ़ी है, 15 मीटर लंबी सीढ़ी। फिर आगे इसमें क्या बोल रहा है, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ, ये जो हमारी सीढ़ी है, ये दीवार है, इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कोण अब यहां पर बनेगा क्योंकि ये सीढ़ी दीवार के साथ बना रही है। समझे, ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी, तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी, देखो सबसे पहले इसको नाम लेते हैं एबीसी। एक त्रिभुज को नाम लेंगे, तो क्या लिखोगे, माना बीसी दीवार है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। माना बीसी एक दीवार है जिसकी ऊंचाई स्मॉल एच मीटर है। अब उसके बाद एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एसी दीवार के शिखर सी तक पहुंचती है। ये जो 15 मीटर लंबी सीढ़ी एसी है दीवार के शिखर सी तक पहुंचती है, और यह सीढ़ी एसी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह पहले इसमें लिखो। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, बीसी की वैल्यू ज्ञात करनी है। वैल्यू दे किसकी रखी है, एसी। अब हमें ये बताना चाहिए किस किस की वैल्यू दी हुई है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, करंट। करंट की वैल्यू हमें दे रखी है, करंट की वैल्यू हमें दे रखी है। थीटा की वैल्यू भी दे रखी है, करंट की वैल्यू भी दे रखी है, थीटा की वैल्यू भी दे रखी है। अब थीटा किस भुजा पर स्थित है, तो ये भुजा हमारे पास क्या बन गई, अब आधार बन गई। ये भुजा क्या बनेगी, आधार, और ये भुजा क्या बनेगी, लंब। समझिए, अगर थीटा हमारा यहां पर स्थित होता तो ये भुजा क्या बनती, आधार, और ये भुजा हमारी क्या बनती, लंब। लेकिन थीटा यहां पे स्थित है तो ये भुजा हमारी क्या होगी, आधार। इसका अर्थ है हमें आधार की वैल्यू फाइंड करनी। बस मेन चीज यही है, हमें पता होना चाहिए क्या पूछा है, क्या दिया है। विकर्ण आधार और थीटा का संबंध है हमारे पास, करण और आधार इस प्रकार से होता है, मतलब लाल बटे एकड़ का आधार और करण, इसमें हमने ये साइन ये कोस। तो अब हमें ये पता चल गया कि यहां पर कौन सा अप्लाई होगा, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात कोस अप्लाई होगा। तो देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोस थीटा इक्वल क्या होता है, आधार बटे करण। आधार कौन सी वैल्यू है, सी बी, अपॉन में करण कौन सी वैल्यू है, ए सी। वैल्यू रख दो यहां पर कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री इक्वल बी सी बी, सी बी की वैल्यू हमने क्या बनी है, स्मॉल एक्स, अपॉन में ए सी। सीडी की लंबाई कितनी है, 15 मीटर। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 30 की होती है, साइन 30 कितनी होती है, 1/2 इक्वल में एच अपॉन 15 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2x इक्वल में 15। तो एच इक्वल 15/2 मीटर। ऑप्शन में आपने इस प्रकार से लिया है, आगे वो सोल्व करना है तो ये कितना आएगा, 7.5 मीटर। तो
अतः ये जो यहाँ पर दीवार है इसकी ऊंचाई कितनी है हमारी 15/2 मीटर या 7.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, और देखो सबसे पहले मैंने बोल दिया 10 मीटर ऊंची एक मीनार है, पहले एक मीनार बनाओगे 10 मीटर ऊंची एक मीनार, ये हमारी क्या होगी एक मीनार है, ये कितने मीटर ऊंची है 10 मीटर। आगे इसमें क्या बोला है, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर, अब मीनार का बेस यहां पर है, इसका अर्थ है यहां पे ये पृथ्वी है, अब मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अब देखो कौन सा कोण है, अवनमन, अवनमन की बात हो रही है, तो इसका अर्थ है ये कहां से देख रहा है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहे, अवनमन कोण बढ़ रहा है, इसका अर्थ ये कहां से देख रहा है, ऊपर से नीचे की। तो आप देखो ये मीनार का शिखर है, ये हमारे पास क्षैतिज समतल हो गया। अब उसने क्या बोला है, मीनार के शिखर से पृथ्वी पर, मान लेते हैं पृथ्वी पर ये कोई बिंदु है, इसका अवनमन कोण 30 डिग्री, कितना है ये अवनमन कोण 30 डिग्री, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या, तो ये मीनार का बेस ये आधार है, इससे इस बिंदु की दूरी पूछी, ये चीज पूछी हम, ये 90 डिग्री, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको नाम दे दिए यहां पर। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना बी सी कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर, मीनार के शिखर सी से, मीनार के शिखर सी से बिंदु ए का अवनमन कोण 30, मीनार के शिखर सी से बिंदु ए का अवनमन कोण 30 डिग्री, माना बिंदु ए की मीनार के आधार बी से दूरी स्मॉल एक्स मीटर, क्या मान ली, मीनार के आधार से दूरी हमें स्मॉल एक्स मीटर मान। अब देखो यहां पर ये कोण हमारे पास कितना है 30 डिग्री, ये कोण कितना है हमारे पास 30 डिग्री, ये कोण 30 डिग्री है, इस प्रकार से ये जेड की शेप बन रही है। अब यहां पर बात करें तो ये दो समांतर एक ही हो रही है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसके दोनों ओर बने कोण या जेड की शेप बन जाए तो एकांतर कोण बनते हैं, तो ये दोनों कोण क्या होते हैं बराबर, क्योंकि ये दोनों कोण फिर क्या हो जाएंगे एकांतर कोण। तो उसके बाद ये हिंदी लिखने के बाद क्या लिखोगे, क्योंकि कोण डी सी ए इक्वल है कोण सी ए बी, सी ए बी, डी सी ए कौन हो गया और ये सी ए बी इक्वल में 30 डिग्री, ब्रैकेट में क्या लिखोगे एकांतर कोण, कौन से कोण है ये एकांतर। अब देखो हमें क्या पूछा है और क्या दिया हुआ है वो चीज देखते हैं, सबसे पहले 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने भुजा करण है, करण की नई वैल्यू पूछी है और नई हमें दी है, तो करण का इसमें कोई रोल नहीं, थीटा देख है, थीटा में देख है, यहां पर थीटा से कैसे भुजा करण, तो ये भुजा क्या है बेस यानी आधार हमें चाहिए, ये भुजा फिर क्या होगी लंब, आधार और लंब, आधार और लंब किस में आते हैं टैन में आते हैं, आधार और लंब किस में आते हैं टैन में आते हैं, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें अप्लाई होगा टैन अप्लाई होगा, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में टैन थीटा इक्वल लंब इसके लिए कितना हो गया बी सी, लंब बटे आधार, आधार इसके लिए AB, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल में BC, BC की वैल्यू कितनी है 10, AB क्या मानी हमें स्मॉल x, इस बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या मानी हमें स्मॉल x में,
35 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू tan/x मल्टीप्लाई करते हैं तो x/1x इक्वल टू tan√3। तो इस बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी है 10√3 मीटर। रूट 3 की वैल्यू रख के आगे और सॉल्व कर लें तो 10 × 1.732 तो इक्वल में कितना आ जाएगा 17.32 मीटर। तो मीनार के आधार से इस बिंदु A की दूरी कितनी है 17.32। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नदी के ऊपर एक पुल, सबसे पहले एक हमें नदी दे देंगे, उसके बाद नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ यानी नदी के किनारों के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। सबसे पहले क्या दिया है हमें, एक नदी दी है, ये मान लेते हैं एक नदी है, नदी के ऊपर एक पुल है, ये पुल आ गया, तो पुल में ये पानी नहीं होगा, तो पुल में ये पानी नहीं होगा। तो देखो नदी के ऊपर एक पुल ये हो गया, ये यहां तक नदी मान लेते हैं इसमें, और ये ऊपर यहां इस प्रकार से नदी, ठीक है। तो नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहां से इसको मिला दें तो ये जो नदी के किनारे के साथ तट के साथ ये कितनी डिग्री का कोण बना रहा है 45 डिग्री का, नदी के तट के साथ कितने डिग्री का कोण बनाया है 45, ये क्या है हमारी नदी। आगे क्या बोलता है इसमें, यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, ये जो यहां पर नदी के ऊपर पुल है इसकी लंबाई है 150 मीटर, यहां तक सिर्फ जो नदी के ऊपर इसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर, तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। तो क्या पूछा है नदी की चौड़ाई, ये पूछा है नदी की चौड़ाई, इस प्रकार से नदी की चौड़ाई कितनी होगी ये पूछिए सिर्फ हम। नदी की चौड़ाई हम मान लेते हैं x मीटर, क्या मान ली नदी की चौड़ाई x मीटर, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, ये हो गया सबसे सबसे पहले क्या है कि माना एसी एक पुल है जिसकी लंबाई 150 मीटर है, जिसकी लंबाई 150 मीटर तथा BC नदी की चौड़ाई है, तथा BC क्या नदी की चौड़ाई है जो स्मॉल x मीटर, जो कितनी है स्मॉल x मीटर, पुल नदी के तट के साथ, पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, पुल ये हो गया पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात कोण CAB, अर्थात कोण CAB इक्वल 45 डिग्री, अर्थात कोण CAB इक्वल 45 डिग्री। देखो क्या लिखोगे, सबसे पहले माना AC एक पुल है जिसकी लंबाई 150 मीटर, माना नदी की चौड़ाई BC है जो स्मॉल x मीटर है, अब पुल AC नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात कोण CAB इक्वल 45। अब इसमें हमें क्या चाहिए, ये तो 90 डिग्री है, 90 के सामने की दिशा क्या होती है करंट, करंट की वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है, क्या चाहिए हमें लंब चाहिए, थीटा यहां स्थित है ये तो आधार हुई, तो हमें क्या चाहिए लंब, तो लंब और करंट किसमें आते हैं साइन वाले फॉर्मूले में, त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें कौन सा लगेगा साइन लगेगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल क्या होता है लंब बटे करंट, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है ए बी सी, बी 90 है तो बी बीच में आ जाए, ए बी सी में साइन थीटा इक्वल क्या होता है लंब बटे करंट, तो लंब ये दिया यहां पर सी बी अपॉन में करंट, करंट कौन सी भुजा है एसी, तो सी बी अपॉन में एसी, थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है 45 डिग्री, तो साइन
45 डिग्री इक्वल में CD, CD की वैल्यू कितनी है स्मॉल x अपॉन में AC, पुल की लंबाई AC कितनी है 150, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इक्वल में x अपॉन में 150, तिरछा गुणा करते हैं तो √2x इक्वल में 150, तो x इक्वल यहां से क्या आएगा 150/√2, क्या 150/√2, हर का प्रमेयकरण कर दो, हर का प्रमेयकरण यहां पे फिक्स वैल्यू लेके आएंगे तो क्या करते हैं √2 से अंश व हर में गुणा करने, √2 से अंश व हर में गुणा करने, तो √2 से गुणा कर दो अंश और हर में, तो ये √2 × √2 कितने हो गए 2, तो यहां से x इक्वल क्या आ गया 150√2 अपॉन में 2, 2 × 75 x इक्वल कितना आ गया 75√2 मीटर, तो अर्थात नदी की चौड़ाई कितनी है 75√2 मीटर। आगे और वैल्यू निकालनी है तो √2 की वैल्यू रख दोगे 1.414, तो 1.414 से 75 का मल्टीप्लाई कर दो अगर और वैल्यू निकालनी, ठीक है, लेकिन इसके ऑप्शन में ये दिए हुए हैं 75√2, तो हमारा ये इसमें डी ऑप्शन। तो 5 का क्वेश्चन दोबारा करके देखोगे, इसका बेसिक फिर से समझोगे भी हमारा अन्यन कोण कैसे बनता है, अवनमन कोण कैसे बनता है, त्रिकोणमितीय अनुपात अप्लाई किस प्रकार से करते हैं। अगर आपका ये डायग्राम क्वेश्चन के हिसाब से बन जाता है इसके, तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं, बाकी फिर भी इसमें कोई दिक्कत हो तो आप अपने डाउट पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर।